निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए, थोड़ी वीकनेस तो है अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो. आज अगर निफ्टी अगर हल्का सा ग्रीन में आ भी रहा है तो बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से आई थिंक आधा टका के करीब अपना लॉसेस जो है कंटिन्यू कर रहा है. और यहाँ पे अगर मैं देखें तो उसका एक जो हैवी वेट है जो कि HDFC बैंक, इसका पैटर्न आज थोड़ा सा बेरिश हो गया है. क्योंकि अगर आप इसमें डेली चार्ट देखें तो इसमें एक जो हम जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं एक बेरिश इनगल्फिंग, वो बार बना के आज अभी फिलहाल फिलहाल तक अगर 2 बजे के बार को 3:30 का बार माने तो अभी तक वो बेरिश इंगल्फिंग बार बन रहा है. तो बिकॉज ऑफ HDFC बैंक आई थिंक थोड़ी वीकनेस इसमें रह सकती है. और वैसे भी चार्ट लेकर आया जो जो सर्वेन ने भेजा है हमको. हाँ, ये अब आप क्या कह रहे हो? ये जी, तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर दूं. आज प्रदीप जी नहीं है तो आज मुझे मौका मिला है, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं. देखिए, इसमें इसमें आप अपना जौहर दिखाइए. इसमें 3-4 पैरामीटर्स है. पहली बात तो मैंने वो जो व्हाइट बॉक्स बनाया हुआ है, पूरा एक रेक्टेंगल बनाया है, ये एक लास्ट 14-15 हफ्ते की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, जो तकरीबन 26,500 से लेकर 27,500 के बीच है. 50 पॉइंट ऊपर नीचे थोड़े विप्सॉज हुए, बट मोटा मोटी जब समझने के लिए समझे तो 26,500 से 27,500 की रेंज है. इसका जो एवरेज है वो तकरीबन 27,000 है. और अगर आप देखेंगे कि लास्ट 3-4 दिन से फाइटिंग वहीं चल रही है, जो कंट्रोल है वो मिडिल लाइन जो होती है, जो आपकी एक LOC है, उसके ऊपर फाइटिंग चल रही है. तो 27 के ऊपर जाता है थोड़ा बुल स्ट्रांग होते हैं, 27 के नीचे आता है तो थोड़ा बेस्ट स्ट्रांग होते हैं. तो आज 27,000 के नीचे ही चल रहा है सुबह से. तो आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी वीकनेस है. फिर अगर आप बाकी 3 चीजें देखें, जो एवरेजेस हम हमेशा यूजुअली देखते हैं, एक जो ग्रीन एवरेज आपको दिख रहा है चार्ट पे वो 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है. जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये 50-डे सिंपल मूविंग एवरेज है. और जो व्हाइट लाइन नीचे से आ रही है वो 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का. तो बैंक निफ्टी अपने 200-डे एवरेजेस के तो ऊपर है. बट अगर आप देखें नवंबर में जो बुलिश क्रॉसओवर हुआ था 2050 का, जहां ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर कट किया था, उसके बाद से अब पहली बार ये 3 महीनों के बाद अगर आप देखें तो ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे कट किया. 20 ने 50 को नीचे कट किया. रेड लाइन ऊपर चली गई, मतलब दिक्कत वाली बात हुई क्या? जी, जो मीडियम टर्म एवरेज है जो कि 50-डे सिंपल मूविंग एवरेज है, उसको 20-डे एवरेज ने कट किया है नीचे, एक्सपोनेंशियल एवरेज ने. और ये एक जिसको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के हिसाब से अगर आप देखें कि अगर वो 14 हफ्ते को आप नॉइज मान लें कि पूरी नॉइज थी, उस नॉइज को खाली 2 सिग्नल्स आप देखें, एक बाय सिग्नल आया था 29 नवंबर को, 29-30 नवंबर के आसपास, और अब इसमें 4 दिन पहले एक सेल सिग्नल आया है. ये डेली चार्ट है जी. 20 एक्सपोनेंशियल ने 50 सिंपल को नीचे कट किया. एक आसान शब्दों में मेरे लिए, अब ये आपने जो लकीरें क्रॉस हुई इसके नीचे चल रहा है तो ये मतलब दिक्कत वाले जोन में आ गया. ये दिक्कत वाले जोन में आएगी जहां तक सफेद लकीर है वहां तक, ऐसा है जी? पहली बात तो सफेद लकीर तक आएगा. मोरले सफेद लकीर पहले तो बॉक्स के नीचे आएगा. बॉक्स भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ है. तो 26,400 से 26,500 का टारगेट रहेगा अगले हफ्ते. अभी बेच के चलूं अगले हफ्ते के लिए निफ्टी बैंक को? आप कह रहे हो 27,201 का स्टॉप लॉस और निफ्टी बैंक बेच के चलना चाहिए. तो 500 पॉइंट का डाउनसाइड है, तकरीबन 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. तो 1:2.5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है जी. सर्वेंद्र जी, ये जो इंडेक्स नीचे जाएगा इसमें कोई ऐसा शेयर दिग्गज जो आप अभी बात कर रहे थे? ये 14-15 हफ्तों की उसकी लोअर साइड में रहेगी क्योंकि 10-800 के नीचे हम स्टे कर रहे हैं. और जैसे कि मैंने दिखाया था बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी, तो अगले हफ्ते 200 पॉइंट के आसपास की कमजोरी एंटीसिपेटेड है. बिल्कुल, जो बैंक निफ्टी का सेटअप है एग्जैक्टली वही निफ्टी में रेप्लिका है. सेम 14-15 निफ्टी पे हम लोग अच्छा बनाया आपने, डब्बा भी अच्छा लग रहा है, वो दिख रहा है उसमें एकदम इस रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा है. हमारा तो काम ही यही है दर्शकों को एकदम प्रॉपर बढ़िया से दिखाना है. तो ये आप देखिए, वो जो इनिशियली फॉल के बाद 11,700 के फॉल के बाद ये जो 14-15 महीने का साइडवेज जोन गया, ये पूरा एक रेक्टेंगल, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल फॉर्मेशन है. ये 14-15 महीने का है? 14-15 हफ्ते. हाँ, हफ्ते. हाँ, 14-15 हफ्ते से ये जो है एक 3 महीने पकड़ के चलिए आप, ये रेक्टेंगल में चल रहा है. और 11,000 से लेकर 10,600 की मोटा मोटी रेंज है. 10-10,800 का मिडिल पॉइंट है जो कि LOC है, उसके नीचे भी फाइट चल रही है. तो बेयर्स का कंट्रोल माना जाएगा फिलहाल. और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें जो क्रॉसओवर 2050 का बुलिश क्रॉसओवर हुआ था नवंबर में साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो दोनों साथ में इन्वर्ट हो गए. अब ये बेरिश क्रॉसओवर है. 20 का 50 के नीचे जाना ये एक बेरिश क्रॉसओवर है. और ये आपको दर्शाता है कि थोड़ा सा बायस अब 3 महीनों में हल्का सा नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होता हुआ, क्योंकि ये नॉइस को इन एवरेजेस ने कट किया. ये जो आपने इतनी दिन रेंज में ट्रेड किया उसको अगर नॉइस माने तो ये 2050 का क्रॉसओवर खाली 3 महीने में. 3 महीने तो ये तो आप इलेक्शन से पहले की वो नर्वसनेस की बात कर रहे हो, है ना? जी, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब तक ये रेंज है तब तक तो आप ये अज्यूम करें कि 10-10,600-11,000 की ही रेंज है. तो इसीलिए मैंने बोला एक्सपायरी 10,600 के आसपास. 580 टूट के नीचे बंद आता है जो कि डबल बॉटम रहा है. 583, 585, 587 ऐसे 3-4 नंबर जो आए हैं 10,580, जब तक वो टूट के नीचे बंद हो जाता है फिर आप बोलेंगे कि यस ये रेंज अब नीचे टूट गई है और ये रेक्टेंगल का टारगेट अब 400 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा. तो फिलहाल के लिए 600 का टारगेट, फिलहाल 10,600 लेके चले. ये एकदम शॉर्ट टर्म है. पोजिशनल बायस हमारा नेगेटिव ही है जो कि हम ऑलरेडी चैनल पर बोलते हैं. और अगर डिस्क्लेमर देना पड़े तो इंडेक्स में भी आई थिंक हमारे निजी ट्रेड्स भी सारे शॉर्ट में है. हम पोजिशनल तो शॉर्ट ही ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं. किरण,